तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो फिर से स्वागत है आपका सभी का विजय गेमपर के दांसू गेमप्ले एपिसोड में। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं प्लांट्स वी जॉम्बी। प्लांट्स वी जॉम्बी के पिछले वाले एपिसोड में अपने को कुछ प्लांट वगैरह अनलॉक हुआ था, जिसमें से एक है स्पीक वीड और उसके अलावा एक प्लांट और अनलॉक हुआ था जिसका नाम है टॉर्चवुड। और उसके साथ साथ अपने को एक जॉम्बी भी अनलॉक हुआ है जो सामने आपको दिख रहा है, डॉल्फिन राइडर जॉम्बी जो रेड कलर का है। स्पीक वीड वैसे स्पीक वीड जो प्लांट है वो वैसे तो टाइल्स के ऊपर इसको लगाया जाता है, जो भी जॉम्बी इसके ऊपर खड़ा हो जाता है तो उसको ये डैमेज पहुंचाता है। उसके अलावा टॉर्चवुड जिसी किसी भी प्लांट या जैसे कि पी शूटर हो, रिपीटर हो या फिर रिपीटर हो, उसके सामने इसको रख देते हैं तो वो जो मटर के दाने फायर करता है वो यह है आग के गोले में बदल देता है। तो अगर जिसने भी पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो इस वाले एपिसोड में अपन देखने वाले हैं, फाइट करने वाले हैं डॉल्फिन राइडर जॉम्बी के साथ और डकी ट्यूब जॉम्बी के साथ और नॉर्मल जॉम्बी, उसके साथ साथ ये जो कॉर्न हेड जॉम्बी है। तो अपन ले लेते हैं सबसे पहले वही दिन के समय का टाइम है तो सनफ्लावर, उसके साथ एक पी शूटर अपने को आवश्यकता पड़ेगी। और पूल के अंदर, पानी के अंदर अगर अपन डायरेक्ट कोई प्लांट लगा नहीं सकते तो उसके लिए चाहिए अपने को लेलीपैड। ये एक जलीय पौधा है जो सारे प्लांट्स, जो भी प्लांट वगैरह पूल में लगाएंगे तो वो इसके ऊपर आसानी से लगा सकते हैं। उसके साथ एक अपन ले लेते हैं ये टेंजल कैल्प, ये भी जलीय पौधा है। इसके साथ ये जलपिनो, जलपिनो अपने को सबसे ज़्यादा है, मतलब ये चेरी बम की तरह ही काम आता है। जलपिनो से थोड़ा ज़्यादा डैमेज देता है क्योंकि जो अपने पास एक जोम्बी है जोम्बानी के नाम से, जो कुछ एक ट्रक सा लेके आता है तो वो थोड़ा पावरफुल है इन सभी जोम्बी के मुकाबले, तो उसको हराने के लिए ये जलपिनो बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके अलावा एक वॉलनट जो किसी भी जोम्बी का रास्ता रोकना बहुत आसान हो जाता है, और एक स्पीक वीड और एक टॉर्चवुड ये ले लेते हैं और करते हैं स्टार्ट। वही सबसे पहले अपन लगाएंगे सनफ्लावर, पहला सनफ्लावर अपन लगा चुके हैं और धीरे धीरे इससे सन इकट्ठा करते जाते हैं, जैसे कि अपने को और सनफ्लावर परचेज करने में आसानी हो या फिर कोई भी प्लांट परचेज आसानी से कर सके। और जॉम्बी, पहला जॉम्बी आना भी स्टार्ट हो गया, तो जल्दी से पी शूटर को परचेज करने के लिए अपने को 100 सन कॉस्ट की आवश्यकता है जो अपन ले चुके। पहले जॉम्बी के लिए पहला पी शूटर अपन ने लगा दिया, अब एक और सनफ्लावर ले लेते हैं। एक जॉम्बी फिर से आ चुका है तो इसके लिए भी एक फटाफट से एक पी शूटर लगाना होगा। अभी अपन चल रहे हैं लेवल 38 की तरफ, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपने को नए नए जॉम्बी अनलॉक होते जाएंगे और नए नए प्लांट अनलॉक होते जाएंगे। एक पी शूटर और लगा देता हूँ ताकि आसानी से जॉम्बी का मुकाबला कर सकें। 4 सनफ्लावर अपन ने ले चुके, 4 इधर लगा देंगे। इस वाले जॉम्बी को थोड़े नॉर्मल जॉम्बी के मुकाबले हराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके लिए अपने डबल पी शूटर यहाँ पे लगा दिया ताकि थोड़ा जल्दी पराजित हो जाए। दूसरा जॉम्बी आ रहा है उसके लिए अपन वॉलनट का उपयोग करेंगे और साथ में ये स्पीक वीड उसको आराम से थोड़ा डैमेज देता रहेगा क्योंकि इसके ऊपर ये वॉलनट को खाने के लिए खड़ा रहेगा, तो आसानी से इसको डैमेज थोड़ी जल्दी पड़ती रहेगी। एक पी शूटर लगा देता हूँ।
फटाफट सनफ्लावर इकट्ठा करें ताकि फटाफट अपने को एनर्जी मिलती रहे सन की। एक वॉलनट और लगा देते हैं, एक यहाँ पे लिली पैड लगा देते हैं, एक इधर एक पी शूटर और लगा दें। ये पूल वाले जॉम्बी भी आ चुका, डकी ट्यूब जॉम्बी, इसके लिए भी एक पी शूटर लगा देते हैं। और ये टेंजल क्लिप इसको ऑटोमेटिक पकड़ के पानी में डुबो के लेके चल जाती है और वहाँ ले जाके इसको नेस्ट कर देती है। एक इसके भी यहाँ पे भी लगा दें, एक सनफ्लावर रो ले लिया, एक सनफ्लावर रो लेना, सनफ्लावर लास्ट एक सनफ्लावर रो ले लिया। सनफ्लावर की अपने को आवश्यकता भी ख़त्म, अब अपने को पी शूटर चाहिए और वॉलनट। अब ये पी शूटर इधर, वॉलनट इधर लगा देते हैं और डक्की ट्यूब जॉम्बी आ चुका है, इसको हराना थोड़ा आसान है, तो जलपिनो उसके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि ये किसी भी प्लांट को आसानी से पार करके आ जाता है। ये जॉम्बी इधर पहुंच गया, एक सनफ्लावर हटाना पड़ेगा, उसके जगह पी शूटर लगाना पड़ेगा क्योंकि जॉम्बी वहाँ तक पहुँच चुका है। तो बारी आ गई इनको लगाने की, टॉर्च वुड को जो आग के गोले फेंकने में माहिर है। केक लगा देते हैं इधर, ये फिर से आ गया डॉल्फिन जॉम्बी, रेड जॉम्बी जो सबसे लांग के आराम से आसानी से आ जाता है। जब एक किसी भी प्लांट को डॉल्फिन जॉम्बी राइडर जो है वो किसी भी प्लांट को पार करके आगे बढ़ता है तो वो अपनी डॉल्फिन को भी घुमा देता है और एक सिंगल नॉर्मल जॉम्बी की तरह बन जाता है। और जलपिनो अपने जितने मतलब टाइल्स के अंदर कॉलम के अंदर जितने भी जॉम्बी होते हैं उन सबको नष्ट कर देता है एक बार पटने पर। लेवल 3-8 अपने कंप्लीट कर चुका है और अपने को मिल चुका है एक नया प्लांट। इसका नाम है टॉल नट, शायद वॉलनट का बड़ा भाई होगा, सेम वॉलनट की तरह ही लगता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। अब इसमें अपने पास
नए नए जॉम्बी आ गए। एक तो डकी ट्यूब जॉम्बी आ गया है, एक बकेट हेड जॉम्बी है, एक डॉल्फिन जॉम्बी, डॉल्फिन राइडर जॉम्बी, नॉर्मल जॉम्बी और कॉनर जॉम्बी, उसके अलावा पॉलीवेल्टिंग जॉम्बी, और इनके सबसे खतरनाक जॉम्बानी, इनसे होने वाली अपनी बहुत ही खतरनाक फाइट। तो अपन ले लेते हैं एक सनफ्लावर, पी शूटर, वॉलनट की जगह लेंगे अपन टॉलनट, ये सबसे बड़ा है तो शायद ज़्यादा टिक पाए, और धमाकेदार के लिए जलपिनो, और पानी में आने वाले जॉम्बी के लिए टेंजर क्लिप, उसके अलावा अपने को थ्री पिटर और टॉर्चवुड की आवश्यकता तो पड़ेगी। उसके साथ साथ ये पानी के अंदर कोई भी प्लांट लगाना हो तो उसके लिए लेलीपैड ले लेते हैं, और कर चलते हैं इनसे फाइट करने के लिए। लाया अपने सबसे पहले सनफ्लावर, तो फटाफट करते हैं अपन सन इकट्ठा, जो फटाफट अपन ले सके प्लांट्स और कर सके इनकी छुट्टी जॉम्बी की। तो बढ़ चुके अपन लेवल 39 की तरफ। अब देखते हैं एक एक को, ये मैंने गलत लगा दिया, जॉम्बी इधर से आ रहा है, मैंने लगा इधर दिया। इस बार थोड़ा आराम से सही तरीके से लगाएंगे, पिछली बार थोड़ा सही नहीं लगा, इस वजह से जॉम्बी घर की तरफ घुसने में चले गए। दो सनफ्लावर अपने लगा चुके हैं, फटाफट से दो लगा लेते हैं। जितने सनफ्लावर लगाएंगे उतने ज़्यादा अपने को सन मिलते जाएंगे, और जल्दी से अपन फटाफट अपन कोई भी प्लांट है उनको परचेज आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले पी शूटर को लाइन से लगा देते हैं, जो पी शूटर का काम एक बार में ख़त्म हो जाएगा, ताकि आने वाले जॉम्बी से तो ये फाइट करता रहेगा, बाकी अपन धीरे धीरे सब कुछ एक एक करके इनको सबको यहाँ लगाते रहेंगे। तो टॉल नट को आराम से बातें कर टॉल नट से, वॉलनट का ये थोड़ा बड़ा भाई है तो आराम से इसको मजे से खा। पीशूटर का हो गया कंप्लीट काम, पीशूटर अपना काम करते रहेंगे और अपन फटाफट एक एक करके प्लांट्स यहाँ लगाते जाएंगे, जिस ये खांसी जा रहा है टोपी वाला, ले तू भी आराम से खा। फूल वाला जॉम्बी भी आ गया, डकी ट्यूब जॉम्बी, नॉर्मल जॉम्बी आते जा रहे हैं। टेंजल क्लिप बढ़िया है, एक बार में ले जाता है अपने आप साथ में जॉम्बी को, बस एक सनफ्लावर और चाहिए, सनफ्लावर का भी काम खत्म। चलो लेवल 39 का फर्स्ट राउंड कंप्लीट।
डंडी वाला ज़ॉम्बी जो लांग से आ जाता है किसी को भी हमारी खैर नहीं। डकी टूप ज़ॉम्बी बहुत ही तगड़ा है। ये इसका बड़े भाई टॉलनेट का बड़े काम है, ये इसको लांग के नहीं आया। ये छोटी वॉलनेट को तो आसानी से ये ऊपर से आ जाता है। अरे इसको मत का, डॉल्फिन राइडर ज़ॉम्बी आ चुका है। आते जाओ आते जाओ, एक एक करके आते जाओ, हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। इस बार तुम नहीं बचने वाले। ये आ गया जोंबानी। ले भाई जोंबानी। अरे डॉल्फिन राइडर ज़ॉम्बी उसको पार नहीं कर सकता। पीछे आ गया। अरे इसको तबा दिया, इसको तो पचानवे कर निकाल दिया इसका। तो इधर से भी आ गया। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अरे ये कहाँ से
से आ गए इतने खतरनाक। रेड वाले ज़ॉम्बी कौन से आ गए? एक बात है, सारे ज़ॉम्बियों की छुट्टी कर दी सारे प्लांट्स ने। थ्रीपीटर तो मैंने लगाया नहीं, अब थ्रीपीटर की बारी आ गई। गए सारे सारे ज़ॉम्बी गए। आग के गोले तो बहुत ही खतरनाक है। लेवल 39 भी कंप्लीट होने वाला है, लास्ट ज़ॉम्बी। चलो लेवल 39 भी कंप्लीट। बढ़ते आगे, फिर से ज़ॉम्बी की तरफ से भेजा हुआ एक लेटर मिला अपने को। वी हार्ड यू वी आर हैविंग ए पूल पार्टी, वी थिंक दैट इट फन विल बी राइट ओवर। पूल पार्टी करेंगे, आ जाओ, तुम्हारे स्वागत के लिए हम तैयार है। इस बार तो बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े हैं कुछ पार्टी वगैरह करने के लिए। आते जाओ, एक एक आते जाओ। जल पीने को बाद में यूज लेंगे, आगे बहुत अच्छे काम आएगी। आते जाओ, एक एक करके आते जाओ, आते जाओ। सारे जा रहे आगे। गलत लगा रहे। रिपीटर रिपीटर मिल रहे अपने को तो लगातार। आते जाओ ज़ॉम्बी हो, आते जाओ, तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हम। लेलीपैड, फिर से लेलीपैड। आप लगाएंगे टॉर्च वुड, आग से खेलना सीखो आग से। बढ़िया है, पार्टी करने वाले पूल पार्टी। कद्दू खाओ तुम, कद्दू। लेवल 310 का पहला राउंड भी कंप्लीट। सेकंड राउंड कंप्लीट, मतलब सेकंड राउंड अपन ने स्टार्ट कर चुके हैं। आ गया डॉल्फिन राइडर, आ जाओ डॉल्फिन राइडर। चौंबानी का तो ट्रक ही फूट गया। पुंकी बजने वाली है, मेरे थ्री पीटर तुम्हारी पुंकी बजा देंगे सबकी।
पास लेलीपैड नहीं मिल रहा है, ज़ॉम्बी आए जा रहे हैं। एक को लेलीपैड राजा भाई, और टॉर्च वुड भी कम आ रहे हैं थोड़े। आते जाओ भाई आते जाओ, डॉल्फिन राइडर बाहर अंदर चलिए, तो बहुत देर होगी बाहर में उधर 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 उधर। टॉर्च वुड बहुत कम आ रहा है। चलो ये भी हो गया कंप्लीट, लेवल 3 10 भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और अपने को मिल चुका है एक नया प्लांट। सी सरम। तो फिर से आ गए अपन इस बार नाइट और कोहरे की तरफ। तो अपने को एक सी सरूम भी मिला है, उसके साथ साथ एक नया ज़ॉम्बी अनलॉक हुआ है जो है जैक इन द बॉक्स, नहीं जैक नहीं आई जैक हाँ जैक इन द बॉक्स ज़ॉम्बी सी सरूम और जैक इन द जो जैक इन द बॉक्स ज़ॉम्बी जैक इन द बॉक्स ज़ॉम्बी के बारे में अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।